अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जो आज की वीडियो है इसमें बात करेंगे अर्थिंग का मकसद और ये क्यों ज़रूरी है, अर्थिंग की अकसाम कौन सी हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मुज़ाहमत क्या होती है और इसमें अर्थिंग में कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा हम अपने सोलर सिस्टम और घर की दूसरी अशिया जैसे मोटर, फ्रिज और पंखे वगैरह कैसे अर्थ कर सकते हैं, और इसके अलावा अर्थिंग को अफेक्टिव रखने के लिए कौन से इकदाम करने ज़रूरी हैं। दोस्तों, आए दिन बिजली से होने वाले नुकसान का कोई ना कोई वाकया सुनने को मिलता है, कहीं शॉर्ट सर्किट से आग का लगना और कहीं करंट लगने से अमवात का होना। ये तब होता है जब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं और चंद पैसों की बचत करते हुए बहुत सा नुकसान कर बैठते हैं। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग बिजली से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अहम हिफाजती तदाबीर का एक हिस्सा है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को और इलेक्ट्रिकल मुज़ाहमत को समझना ज़रूरी है। चले आएँ पहले इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये सामने डायग्राम में हमें वाबडा का मीटर नज़र आ रहा है, इसमें से दो तारें निकलती हैं जिसको एक को न्यूट्रल और दूसरे को लाइव कहते हैं। लाइव वही तार होती है जिसके ऊपर हमारा टेस्टर जो है वो शो करता है। लाइव तार के ऊपर हमने बटन लगाया हुआ है और आगे फिर हम जो भी चीज़ इस पे चलाना चाहें, पंखा, मोटर वगैरह, वो उसे लोड कहते हैं। हम जैसे ही बटन को ऑन करते हैं तो उससे क्या होगा कि लाइव तार में से करंट गुजरते हुए लोड की तरफ जाएगा और लोड से को ऑन करके, लोड को चला के, तो वापस से न्यूट्रल ये जो ब्लैक तार है इसमें से होता है वो मीटर की तरफ वापस चला जाएगा। सो जिस तरह पानी जो है वो पाइप में हरकत करता है और इसी तरह करंट जो है वो तारों में हरकत करता है। मीटर से करंट जो है वो लाइव तार में से होते हुए और फिर लोड को चलाते हुए फिर वापस जो है वो न्यूट्रल से होता हुआ जो है वो वापस मीटर की तरफ जाता है। इसके इस रास्ते को, मुकम्मल रास्ते को हम सर्किट कहते हैं। दोस्तों, साइंस का ये असूल है कि जब भी कोई भी चीज़ जो है वो हरकत करती है तो उसे मुखालफ सिमत में कुछ मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है, यानी रुकावट का भी सामना करना पड़ता है। अब इस तार में से जो करंट गुज़र रही है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं करंट गुज़रती है, तो करंट के गुज़रने के ख़िलाफ़ भी एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, वो है तार की मुज़ाहमत। तार जितनी ज़्यादा लंबी होगी मुज़ाहमत उतनी ज़्यादा होगी, और तार जितनी ज़्यादा बारीक होगी मुज़ाहमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी हम हमेशा मुज़ाहमत को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और करंट की भी कोशिश होती है कि कम से कम रास्ता जो है वो इख्तियार करते हुए लाइव से होते हुए वापस न्यूट्रल की तरफ और मीटर की तरफ चला जाए। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट या कहते हैं कि छोटा रास्ता। अब जैसे हम अगर यहाँ से तार को शॉर्ट कर देते हैं स्विच से पहले ही, तो करंट बजाय इसके कि लोड की तरफ जाएगा, यहीं से शॉर्ट रास्ता इख्तियार करते हुए वापस मीटर की तरफ चला जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि करंट जो है वो कम शॉर्ट रास्ता और कम मज़ाहमत की तरफ जाता है, तो अर्थिंग का भी यही असूल है। दोस्तों, आइए अब दूसरी डायग्राम की तरफ चलते हैं और अर्थिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई भी लोड है जैसे फ्रिज, मोटर वगैरह, तो इसको हमने लाइव और न्यूट्रल दो तारें दी हुई हैं। इसमें जो ब्लू कलर की तार नज़र आ रही है वो लाइव है, और न्यूट्रल की जो है वो ब्लैक तार है। अब फ़र्ज़ किया हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं और लाइव तार जो है वो किसी वजह से डैमेज हो गई है और उसकी इंसुलेशन उतर गई है, या वो वैसे किसी कनेक्शन उसका टूट के वो बॉडी के साथ जो है वो फ्रिज है या मोटर है उसकी बॉडी के साथ लगना शुरू हो गई है, तो जाहिर है अब इसमें जो है वो करंट आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदा जो है इसके पास आएगा और उसने अगर पाँव में जूते वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं पहनी हुई और वो इसको हाथ लगाएगा, तो क्या होगा कि करंट जो है उसके जिस्म में आ जाएगा। इसी दौरान दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो इंसानी जिस्म की मज़ाहमत होती है बिजली के ख़िलाफ़, वो 1,00,000 ओहम से लेके 1,000 ओहम तक होती है। 1,00,000 ओहम जो है वो खुश्क जिस्म की होती है, और अगर यही जिस्म गीला हो तो 1,000 ओहम तक जो है वो इंसानी जिस्म की मज़ाहमत होती है। यानी इसमें से अगर करंट गुजरना चाहे तो ये इतनी मज़ाहमत पैदा करेगा, लेकिन करंट के क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से, और ये इंसान जो है वो ज़मीन के साथ अटैच होगा, तो इसके जिस्म से करंट होता हुआ ज़मीन की तरफ आएगा और इंसान को झटका लग सकता है।
दोस्तों इस हालत में आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकर काम क्यों नहीं करते, लेकिन ब्रेकर जो है इस हालत में काम नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन लाइव जो है वो बॉडी के साथ अटैच है। दोस्तों इस कंडीशन में अगर इसके बॉडी को हम जो है वो तार लगा के ज़मीन के साथ अर्थ कर देते हैं तो क्या होगा कि लाइव से आने वाला जो करंट है वो बॉडी से होता हुआ ज़मीन की तरफ चला जाएगा और ज़्यादा अम्पेयर यानी ज़्यादा करंट गुजरने की शक्ल में फिर जो है वो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फ्रिज के बॉडी को इंसान ने हाथ लगाया था तो उस वक्त भी तो ब्रेकर में से करंट गुजरा था, तो दोस्तों वो इतना कम करंट होता है और टाइम इतना कम होता है कि इंसान को झटका लग जाता है और मौत वाकया हो सकती है। लेकिन जब अर्थ की सूरत में करंट जो है ज़मीन में जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों मौजूदा कंडीशन में ये जहन में सवाल उठता है कि अर्थ केबल जब लगी है और उसी दौरान अगर एक बंदा इस जो है वो बॉडी को लोड की बॉडी को जो है वो हाथ लगाता है तो करंट उसकी तरफ क्यों नहीं जाता, तो दोस्तों ये मुज़ाहमत का फ़र्क है। अब अर्थ वाली जो तार है उसकी तरफ जो मुज़ाहमत है वो 5 ओम है, ठीक है, 1 से 5 ओम तक होती है, जबकि इंसानी बॉडी की जो मुज़ाहमत है वो 1 लाख ओम तक होती है या 1,000 ओम तक होती है, तो उस वजह से इंसानी बॉडी की तरफ करंट नहीं आएगा। दोस्तों चले आएँ देखते हैं कि हमने अपने सोलर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन DB इन्वर्टर SPD और इसके अलावा और कुछ जो इलेक्ट्रिकल पंखा वगैरह मोटर वगैरह है उनको कैसे अर्थ करना है। दोस्तों डायग्राम में हमें ये सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, हमने सोलर पैनल को भी अर्थ करना है और इसके अलावा सोलर फ्रेम जो है माउंटिंग जो है उसको भी अर्थ करना है। दोस्तों सोलर पैनल या सोलर प्लेट के में भी एक होल होता है अर्थिंग के लिए, उसमें से आपने एक वायर लगा के फ्रेम के साथ अटैच करनी है या माउंटिंग के साथ अटैच करनी है और माउंटिंग के साथ अटैच करके फिर एक केबल जो है अर्थ पिट नंबर 1 की तरफ लेकर आनी है इस तरह से। और दोस्तों अर्थ पिट नंबर 1 में जिसमें हमने अर्थिंग मटेरियल डाला होगा तकरीबन 10 किलो के करीब, जिसमें जो है कोयला और नमक जो है हमने इसमें मिक्स करके डालना है ताकि उसमें नमी हमेशा बरकरार रहे। अब इसी केबल के साथ हमने DB जो है वो अटैच कर देनी है, फिर इसके बाद DB जिसमें ब्रेकर AC DC ब्रेकर वगैरह और चेंज ओवर वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होंगी, ठीक है, वापडा इनपुट आउटपुट जो है वो इसी से देनी है, ठीक है। इसके बाद हमने इसी केबल के साथ इन्वर्टर को अटैच कर देना है और दोस्तों फिर SPD जो है उसका मरहला आ जाता है। SPD तब तक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती जब तक इसे हम अर्थ ना कर दें, अर्थिंग करने के बगैर SPD लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह फिर हम ये SPD का जो अर्थिंग वाला पॉइंट है वो भी हम इसी केबल के साथ, ये एक अलग से सोलर सिस्टम DB इन्वर्टर और SPD ये सब का एक अलग से सिलसिला बन जाएगा जो कि अर्थ पिट नंबर 1 के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो दूसरी अर्थ पिट हमने बनाई है वो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ अरेस्टर के लिए, आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें मटेरियल कौन सा डालना है, इसमें एक अलग से पाइप भी दोस्तों डालना है ताकि उसमें गाहे बगाहे हम पानी जो है वो ऐड करते रहें ताकि नमी हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों अब आते हैं अर्थ अरेस्टर की तरफ, ये एक लंबा राड सा होता है जो सोलर पैनल के करीब या सोलर पैनल के करीब किसी ऊंची जगह पे छत पे लगाया जाता है। ये आसमानी बिजली से महफूज होने के लिए लगाया जाता है ताकि आपके कीमती अमलाक सोलर पैनल वगैरह बाकी जो है वो चीज़ें जो हैं वो महफूज हो सकें। तो ये जो है दोस्तों इसको अलहदा से हम एक केबल लगाकर अर्थ पिट नंबर 2 की तरफ लेकर आते हैं ताकि आसमानी बिजली जैसे ही इसके ऊपर पड़े तो वो ज़मीन में मुंतकिल हो जाए। दोस्तों ये अर्थ अरेस्टर पूरी दुनिया में ही लगाए जाते हैं, तमाम अहम बिल्डिंगों पे, इधर जनूबी एशिया में भी लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे घरों पे इसको लगाने का रवाज नहीं है। हालांकि घर भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इसमें हमारी अमलाक होती हैं, बच्चे होते हैं, अहलो आयाल होते हैं, तो सबको महफूज करने के लिए ये अर्थ अरेस्टर लाजमी लगाने चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो अर्थ अरेस्टर की केबल और ये जो आम अर्थिंग की केबल है इसको अटैच करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अटैच नहीं करते, और इसके अलावा बाकी कनेक्शन जो है वो वैसे ही होंगे, वो अलग से मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों वो देख लीजिएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।